हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रेड सेवन। आ गई मैं फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है गोल्ड डिगर। बहुत से लोग मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे, मैम गोल्ड डिगर बनाओ, गोल्ड डिगर बनाओ। फाइनली मैं गोल्ड डिगर ले ही आई हूँ। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू यही देखना चाहती हूँ कि बहुत सारी वीडियो देखी होगी आप लोगों ने कि लड़कियाँ गोल्ड डिगर होती है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं यही देखना चाहती हूँ कि क्या लड़के भी गोल्ड डिगर होते हैं। तो जाओ आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। मैं आपको मिलती हूँ वीडियो के एंड में। हेलो, कैसे हो आप? ठीक हूँ। यार मैं आपको ना इतनी देर से नोटिस कर रही हूँ, मेरे को ना आप बहुत अच्छे लग रहे हो। क्यों? बस अच्छे लग रहे हो, आप गुड लुकिंग लग रहे हो, पर्सनैलिटी भी आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा। तो आप क्या मेरे से फ्रेंडशिप करोगे? नहीं, बिल्कुल। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्यों करूँगा आपसे फ्रेंडशिप? मतलब क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, कोई रीज़न है उसके पीछे? मेरा मतलब आप मुझसे क्यों फ्रेंडशिप करना है पहले? क्योंकि आप मुझे अच्छे लग रहे हो। अच्छा लग रहा हूँ तो फ्रेंडशिप कर लोगे? बिल्कुल, मैं आपको कब से देख रही थी, मेरे मन में आ रही थी कि मैं आपसे बात करूँ, पर बहुत हिम्मत जुटा के मैं आपके पास आई हूँ बात करने के लिए। अच्छा। खुद को देखा पहले आपने? आप कैसे लग रहे हो, आपका अंदाज, आपके कपड़े, ड्रेसिंग, आप कैसे लग रहे हो, मतलब हाउ यू, मतलब कैसे आप मेरे से बात करने आ गए? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि लो स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं जो उनको मतलब दोस्ती करने का हक नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, हक है, पर आप अपने हैसियत के लोगों के साथ जाके बात करो ना। आप देखिए जरा, खुद को देखिए, आप स्टैंडर्ड के आप लगते कैसे हो, दिख कैसे रहे हो आप? मैं तो जस्ट आपसे अपनी फीलिंग शेयर करने आई थी कि मुझे आप अच्छे लग रहे हो और मैं आपको पसंद करने लग गई हूँ, तो आप मुझसे बात कर लेते, पर आप तो ऐसे बोल रहे हो कि नहीं। फीलिंग आ रही है तो मतलब किसी के साथ भी आप दोस्ती करने चले जाओगे? सोच लो, अगर आप चाहो तो मैं अपने आप को बदल लूँगी। कैसे बदलोगे? मैं कपड़े अपने अच्छे ले लूँगी, थोड़े बहुत मैं ड्रेसिंग से अपना सही कर लूँगी। कितना बदल लोगे, कैसे? मेरे ऐसे जितने बन जाओगे? अब किस में आए हो आप यहाँ, कैसे आए हो आप? नहीं, मैं बस अपनी फ्रेंड के साथ घूमने आई थी और मुझे आप अच्छे लग रहे थे तो मैंने आपसे रेंडमली आके बात कर ली। मैं कब से अपनी फ्रेंड को बोल रही थी कि मैं इनसे बात करती हूँ जाके, पर आपने तो मेरी इतनी ज़्यादा लाइक इतना ज़्यादा आपने मुझे बोल दिया कि मैं मुझे यार आप समझो ना कि हमारा मैच नहीं है कोई। पहले अपने आप को देखो, फिर आप मुझे देख के आए हैं, पहले आप देखो तो सही। मैं आपको एक्सेप्ट करूँगा, मैं आपको हाँ बोलूँगा। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, देख लो अगर ठीक है। थैंक यू, बाय। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, आप वही हो ना जो अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे से बात करने के लिए आए थे? मैंने कब आपसे बात की? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे पास आए थे यहीं पे। नहीं, मैंने तो आपसे कोई बात नहीं। मैं आप किसी का वेट कर रहा था, आप ही थे? नहीं, मैंने तो आपसे कोई बात नहीं करी, क्या हुआ? क्यों, अभी आप ही थे जो मतलब येलो ड्रेस थी कुछ आपकी, कुछ आपने कुछ अलग से कपड़े डाले हो अभी। हाँ, मैं ही होंगी। एकदम से कैसे चेंज, मतलब आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो अभी। थैंक यू सो मच। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? फ्रेंडशिप? आप आपसे बात करना चाह रहे हैं? सॉरी, बात नहीं, मैं फ्रेंडशिप ही करना चाहता हूँ। अच्छी किस्मत है मेरी, आप जैसे लोगों से बात करना चाहते हैं ना। आप तो अपने लेवल की बातें कर रहे थे, आप तो अपनी मेरी हैसियत के बात कर रहे थे, आप मेरे कपड़ों से रिलेटेड मेरे से बात कर रहे थे, मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अब अच्छी सी लड़की देखी तो आपका मन कर रहा है? क्यों, मेरे में कोई कमी है क्या? हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते? नहीं, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है, तुम मुझसे बात क्यों? क्या हैसियत में क्या कमी है? जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मैं गुड लुकिंग नहीं थी, जब मेरे कपड़े अच्छे नहीं थे, मैं दिखने में अच्छी नहीं थी, तब तो आपको हैसियत की बातें, औकात की बातें नज़र आ रही थी। अब मैं दिखने में अच्छी हूँ, मैं चेंज कर आई हूँ, मैं अपने असली रूप में आ गई हूँ, तो अब आप मेरे से बात करना चाहते हो? नहीं, एक्चुअली तभी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैं वेट में था और मेरा ध्यान नहीं पड़ा आपकी बात। आप कुछ एकदम से आके ऐसे बात करने लगे तो मुझे लगा कि शायद तो अब आप तरह तरह के एक्सक्यूजेस दोगे कि नहीं नहीं, एक्चुअली सॉरी फॉर दैट, उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था आपके ऊपर। सॉरी, आपके सॉरी चाहिए नहीं, क्योंकि मैं आप जैसे लोगों से ना बहुत दूर रहती हूं। सॉरी, सो सॉरी फॉर दैट ना। अभी चलो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं आपसे बात। हम कॉफी भी चल सकते हैं, कॉफी बात ही है। एक बार ट्राई तो करो, क्या पता हमारे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम मेरे साथ कॉफी पे जाओ। ओह अच्छा, ठीक है। तुम हैसियत की बातें कर रहे थे ना, तो मैं तुम्हें अपनी तुम्हारी हैसियत दिखाती हूं। नो, मेरी जैसी लड़की तुम्हारे साथ कॉफी पे जाए, तुम्हारी
इतनी हैसियत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तो तुम मुझसे बात नहीं करना चाह रहे थे, मुझसे दूर सुनो तो सही, आप मेरी बात तो सुनो ना, तब की बात छोड़ दो, तब जो हुआ तो हुआ, उसको छोड़ दो, भूल जाओ जो हुआ। अभी बात बोलूं मैं, तुम्हारे कुछ चंद लड़कों की वजह से ना पूरी लड़कियां, पूरी दुनिया की लड़कियां बदनाम है कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं। और मैंने कुछ तो वो तो एक ऐसा सरकमस्टेंस हुआ ना, ऐसे टाइम, मैं क्या बोलूं अभी आपको, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड ना यार, आप कुछ बोलने लायक नहीं, तब आप कह रहे थे, अब मैं कह रहा हूँ, अब हम फ्रेंड्स भी बन सकते हैं अच्छे, फ्रेंड्स नहीं बन सकते क्योंकि मैं गोल्ड डिगर लोगों से ना बहुत दूर रहती हूँ, एंड आई डोंट गो विद गोल्ड डिगर लाइक यू, ठीक है, पको। और सुनो एक बात, सामने लगा है कैमरा, मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं एक वीडियो शूट कर रही थी जिससे मैं यही देखना चाहती थी कि लोग बदनाम करते हैं ना लड़कियों की, लड़कियाँ गोल्ड डिगर होती है, तुम जैसे कुछ लड़कों की वजह से ना सब बदनाम है लड़कियाँ, तुम जैसे लड़के भी गोल्ड डिगर होते हैं और मेरे को गोल्ड डिगर से सख्त नफरत है। गाइस कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। और इस वीडियो से आज यही पता चलता है कि सिर्फ लड़कियां ही गोल्ड डिगर नहीं होती बल्कि लड़के भी गोल्ड डिगर हो सकते हैं। तो प्लीज यार गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो, जो लोग बोलते हैं कि लड़कियां ही गोल्ड डिगर होती है ऐसा जरूरी नहीं है, लड़के भी गोल्ड डिगर हो सकते हैं, जो कि इस वीडियो से प्रूव भी हो चुका है। तो प्लीज रिस्पेक्ट गर्ल्स। इंस्टाग्राम पर आप लोगों को फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।